IAS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे। तीसरा प्रश्न क्या है ऑन स्क्रीन? मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा लोगों को मारा जाना देश की एकता और अखंडता पर सीधा हमला है और इनसे निपटने के लिए सर्वोच्च कानूनों को केंद्र में लाना होगा। इस कथन के आलोक में मॉब लिंचिंग या भीड़ हिंसा से निपटने में अनुच्छेद 21 की भूमिका पर प्रकाश डालें। समझ आ रहा है क्वेश्चन? ये आर्टिकल 21 जो बात करता है जीवन का अधिकार देता है, लॉ द्वारा छीना जाएगा जीवन का अधिकार, ना कि भीड़ द्वारा छीना जाएगा जीवन का अधिकार। तो आर्टिकल 21 जो बात करता है विधि के अधिकार से ही आपका अधिकार छीना जाएगा, जीवन का अधिकार छीना जाएगा, जबकि मॉब लिंचिंग आपसे बिना विधि से कोई कानून नहीं है उसके लिए और आपका जीवन का अधिकार वो छीन रही है। तो भाई ये बात हमारी यहाँ पर समझ आ रहा होगा। द मॉब लिंचिंग पॉपुलर डायरेक्ट अटैक ऑन द यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द कंट्री एंड द सुप्रीम लॉ विल हैव टू ब्रॉट टू द सेंटर टू डील विद देम। द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट आई रोड 20 आर्टिकल 21 डील विद द मॉब लिंचिंग। सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझेंगे फॉर्मेट क्या होगा। तो मॉब लिंचिंग, पहली बात तो अगर ब्रीफ करना चाहें तो बता सकते हैं मॉब लिंचिंग से आप क्या समझते हैं, अगर आप बताना चाहें तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, कुछ जरूरी भी नहीं है, एग्जाम में जानता है वैसे क्या है। इन पॉइंट बात है मॉब लिंचिंग क्या है, ब्रीफ कर दीजिए 20 वर्डों की, भीड़ हिंसा लिख ही दिया है उसने, मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्यों है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। पहली बात तो मॉब लिंचिंग क्यों है मॉब लिंचिंग जानते हैं आप लोग? 3-4 पॉइंट एटलीस्ट आपके पास हो, अच्छे पॉइंट हो अच्छी बात है, ऐसा पॉइंट मत कहिए जो थोड़ा सा एंटी गवर्नमेंट चला जाए या कुछ राइट विंग के लोगों को पसंद ना आए, तो ऐसा मत कुछ कहिएगा, अपने आंसर बैलेंस रखिएगा। तो क्यों है मॉब लिंचिंग जानते हैं आप लोग? अति राष्ट्रवाद, पहली लाइन में आपने बुलाक पढ़ाई कर दी ना, हमने कहा बची इस चीज़ से जो आपको नाराज कर दे आपके राइट विंग के लोगों को, अति राष्ट्रवाद नहीं मॉब लिंचिंग कारण यार। पहली बात, डेमोक्रेटिक संस्थाओं पर विश्वास का कम होना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास का कम होना, मुझे भरोसा नहीं है पुलिस की, भरोसा नहीं है मुझे कोर्ट के ऊपर कि मुझे न्याय मिलेगा, कानून अपने हाथ में कोई क्यों लेगा, ये कानून पर भरोसा नहीं है उसको। पहला पॉइंट, डेमोक्रेटिक संस्थाओं या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कम होना, पुलिस पर, कोर्ट पर, चुनी हुई सरकार पर भरोसा ही नहीं रहा मुझे अपनी, तो विश्वास कम हो रहा है। बढ़ता इनटॉलरेंस, बढ़ती असहिष्णुता, इसमें कोई आप किसी संप्रदाय का नाम नहीं लेंगे, कोई अति राष्ट्रवाद नहीं, कुछ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है गुस्सा लोगों का, लोगों का गुस्सा अपराध के खिलाफ है। असहिष्णुता मतलब क्या है? इनटॉलरेंस मतलब धर्म के संदर्भ में, अपराध कम नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा, गुस्सा बढ़ रहा है मेरे अंदर, मारो अपराधियों को, मेरे यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के, क्यों हो रहे हैं यार, ये गुस्सा बढ़ रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी या प्रशासन की नाकामी के कारण असहिष्णुता बढ़ रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है समाज के अंदर भी, निर्जातीय स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर भी, और कहीं ना कहीं लोगों के अन्य स्तर पर, कहीं ना कहीं असहिष्णुता का बढ़ना एक बड़ी समस्या है ये, इसको आप चाहें तो लास्ट में सकते हैं, असहिष्णुता का बढ़ना, इंटॉलरेंस का बढ़ना। और क्यों? अफवाहें, सोशल मीडिया का रोल, ये एक कहीं ना कहीं भूमिका दे रहा है आपको, सोशल मीडिया का रोल, इस पर किसी प्रकार का नियमन ना होना, रेगुलेशन ना होना, ये मुश्किलें कर रहा है यहाँ पर, कोई भी अफवाह फैला दी जाती है, कोई नियमन नहीं है, कोई जांच एजेंसी नहीं है जो मुश्किलें करती हैं। और क्यों हो रही है मॉब लिंचिंग? हेट स्पीच, नेताओं द्वारा हेट स्पीच, हेट स्पीच आज काफ़ी अपने आप बोलना, कुल मिलाकर समाज में समाज को तोड़ने वाले तत्वों की भूमिका बढ़ना, ऐसा अच्छा रहेगा, क्योंकि एकता अखंडता की बात कर रहा है वो, तो एकता अखंडता को तोड़ने वाले लोगों की भूमिका का बढ़ना बस में काफ़ी रहेगा। एंटी इंडिया यूनिटी के लोग बढ़ रहे हैं, तो देश में या समाज को या देश की एकता को तोड़ने वालों की भूमिका बढ़ रही है, चाहे वो दोनों किसी संप्रदाय के हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, गुंडे हो सकते हैं, वो कोई फिल्म स्टार हो सकते हैं, कोई हो सकता है वो, तो उसकी भूमिका बढ़ रही है समाज के अंदर, देश के अंदर, एक बड़ी समस्या ये है। नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि जो गौर रक्षक समितियाँ हैं बन गई, इलीगल बन गई हैं, कई समूह बन गए हैं इलीगल रूप से, तो ये जो समितियाँ हैं ये काम गलत कर रही हैं। अवैध गैर राज्यकारी तत्वों की भूमिका का बढ़ना, तो गौर रक्षक के नाम पर या किसी और संगठन के नाम पर ही काम कर रहे हैं, तो एंटी या गैर राज्यकारी तत्वों की भूमिका बढ़ना, नॉन स्टेट एक्टर, गैर राज्यकारी तत्व की भूमिका बढ़ना, नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका बढ़ना, एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है यहाँ पर। चलिए इतना समय नहीं है, 150 वर्ड का है सवाल, ये 150 वर्ड का ही है तो लिख नहीं पाएंगे आप, ये बढ़ रही है असहिष्णुता। चलिए जनाब आगे बढ़ेंगे,
सवाल हमसे पूछा गया है कि मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, कानून के साथ लाना जरूरी है, केंद्रीय कानून को लाना जरूरी है, तो क्या कानून है यहाँ पर, क्या हमारे पास कानून है मॉब लिंचिंग को लेकर, कानून की स्थिति क्या है? हमारे पास मॉब लिंचिंग को लेकर कानून नहीं है बड़ा, कोई एकीकृत कानून नहीं है, केंद्रीय कानून नहीं है। कानून है वह छोटे मोटे बिखरे हैं, कोई अफवाहें फैलाने पर सजा देता है, भीड़ द्वारा हत्या करने पर सजा देता है, वहाँ पर कोई झूठ बोलता है हेट स्पीच देता है सजा है। मॉब लिंचिंग इस ऑर्गेनाइज्ड वे में जो काम हो रहा है उसको रोकने के लिए कानून नहीं है। तो पहली समस्या है केंद्रीय कानून की अपस्थिति या अनुपस्थिति, केंद्रीय कानून नहीं है हमारे पास, कोई मॉब लिंचिंग पर कोई सिंगल एक्ट नहीं है, बड़ी समस्या है देश की, अलग अलग एक्ट हैं, एक कोई एक्ट नहीं है। और क्या स्थिति है हमारे पास केंद्रीय कानून के बारे में? इम्पॉर्टेंट बात है, भीड़ हिंसा में एक बड़ी समस्या होती है, शायद कई बार भीड़ द्वारा ये समझ नहीं था किसने हत्या की, साक्ष्यों का अभाव होता है कई बार, साक्ष्यों भी तो आपके पास एक पिन पॉइंट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को जांच करना उसकी गिरफ्तारी मुश्किल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया का मुश्किल होना यहाँ पर अपराधों में तो एक मुश्किल होती है यहाँ पर जांच प्रक्रिया, क्योंकि अफवाहें होती हैं कई बार, अफवाहों पर निर्णय लिए जाते हैं तो जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। इसके अलावा कई बार मॉब लिंचिंग को स्थानीय समर्थन मिलता है, स्थानीय समर्थन होता है, आम जनता जो ना भी करना चाहे वो भी इसका पार्ट बन जाती है कहीं ना कहीं। इंपॉर्टेंट बात है, जो हत्या कर रहे हैं वो भी क्राइम क्रिमिनल हैं, जो हत्या देख रहे हैं वो भी क्रिमिनल हैं, जो हर कोई व्यक्ति जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है क्राइम मैसेज वो भी क्रिमिनल है इसके अंदर, तो कहां तक आप सजा देंगे, मुश्किल होगा। यहां पर जांच पूरी हो भी गई तो आम जनता को सजा किस प्रकार दी जाएगी, कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, तो कानून की स्थिति आपके सामने है। अब आते हैं आर्टिकल 21 बनाम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसकी बात करें आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को स्टेटमेंट दी है हाल के दिनों में, कुछ मालूम होना चाहिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा है कि आप एक हिंदुस्तान बना रहे हैं जो मॉब लिंचिस्तान बना रहे हैं, आप यहाँ पर मॉब लिंचिस्तान इंडिया को बना रहे हैं आप लोग, अलग बात है। क्या कहा है कोर्ट ने वो जान लीजिए। कोर्ट ने कहा एक लॉ बनाया जाए, एक कंप्रेंसिव लॉ बनाया जाए इसके लेकर, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है भैया जीवन का अधिकार खत्म हो रहा है तो सजा किसे देंगे आप, तो आर्टिकल 21 के तहत कहीं ना कहीं लॉ होना चाहिए, मस्ट बी देयर मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। और क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने स्पष्ट किया अपने फैसले में कि ना केवल देखने ना केवल करने वाले हत्या बल्कि देखने वाले भी उतने ही क्रिमिनल हैं, यानी कि आपने यदि आप फॉरवर्ड करते हैं या आप वहाँ पर मॉब लिंच भीड़ का हिस्सा है भीड़ का, तो आपको भी यहाँ पर क्रिमिनल माना जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कही है कोर्ट ने अपने फैसले में। सीधी बात है, यहाँ पर कोर्ट ने और फैसले दिए जैसे कि जो SHO हैं, जो जिले में हिंसाएं हो रही हैं, जहाँ पर हिंसा लगातार हुई है, लोग मर रहे हैं, वहाँ के थानेदार, वहाँ के SHO, वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसकी जांच करें, कौन कौन लोग उनको अलग किया जाए, उन पर निगरानी की जाए, यानी ये स्टेट की ड्यूटी उन्होंने तय की है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट जिम्मेदार है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो राज्य तैयारी करें इसकी, इस हिंसा को रोकने का प्रयास करें। ये कुछ प्रयास हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं अपने आंसर में, अपने इस फैसले में। चलिए, अब यहाँ पर आपको पूरे इसमें सुन लिया, आपने डेटा मिला कहीं आपको, जनरेटर देना पड़ेगा आपको, तो समस्या यही है हमारे यहाँ पर, डेटा नहीं है मॉब लिंचिंग पर, कितने लोग मरे हैं मॉब लिंचिंग से, कितने सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यदि आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे, आप एक्ट कैसे बनाएंगे, तो आपको आंकड़े कलेक्ट करने होंगे, तो मॉब लिंचिंग पर डेटा कलेक्ट हो कम से कम। या मैं लास्ट में ले जाऊँ समाधान में आपको, और क्या क्या कर सकते हैं कोर्ट के आदेश के अलावा आप, तो डेटा कलेक्ट कीजिए मॉब लिंचिंग पर, कितने लोग मर रहे हैं, अभी तक तो कोई डेटा ही नहीं है सरकार के पास, गृहमंत्री ने जिनका संसद में कोई आंकड़ा नहीं है कितने लोग मर रहे हैं, वी नीड अ डेटाबेस ऑन मॉब लिंचिंग। इसके अलावा व्हाट्सएप या तकनीकी समूह पर नजर रखे, सरकार उनके लिए गाइडलाइन जारी करे, जो ही हाल में तो गाइडलाइन जारी करे सरकार उनके लिए, व्हाट्सएप जैसे समूहों के लिए जारी की गई है गाइडलाइन, या फिर एक कदम और आगे ले जाएं आपको समाधान की दृष्टि से, भारत सरकार सोशल मीडिया पर नजर रखे और उस पर प्रचारित होने वाले हर अफवाह की काउंटर करने के लिए अपने मैसेज जारी करें। यदि आप मैसेज को बढ़ने दे रहे हैं तो सरकार भी गलत है कि वो नहीं देख रही है कि क्या हो रहा है व्हाट्सएप पर, क्या हो रहा है वायरल यहाँ पर, तो अगर कुछ चीज़ वायरल हो रही है, कुछ चीज़ आगे बढ़ रही है, तो सरकार उस पर स्पष्टीकरण दे, सरकार उसको लेकर क्लेरिफिकेशन दे। बहुत सारे चैनल काम करते हैं आजकल वायरल सर्च के नाम से आता है शो, या ऐसा काम चैनल करते हैं, ये सरकार को करना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए सरकार द्वारा कि मैसेज गलत है, ये इसको ड्रॉप आउट किया जाए, यानी कहीं ना कहीं सरकार को भी अपनी जांच का दायरा, अपनी
सतर्कता का दायरा बढ़ाना होगा। सतर्कता अधिक होनी चाहिए तभी आप रोक पाएंगे इस प्रकार के अपराध को। सतर्क नहीं होंगे अपराध बढ़ते जाएंगे। क्लियर बात है हमको यहाँ पर? ये तो ना केवल कोर्ट की जिम्मेदारी है बल्कि सरकार की भी यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है। इन सबको समेटना है 150 वर्ड में आपको, ठीक है? और आप डेटा का लिखने के शौकीन है तो 2-4 केस लिख सकते हैं, यहाँ पर काम आएंगे आपको 2-4 केस लिखने के लिए। जो पिछले कुछ दिनों में हिंसा हुई है मॉब लिंचिंग को लेकर हमारे यहाँ, जैसे कि इस साल भी देखा जाए तो लगभग जून 2000 में, अभी हाल में झारखंड में हत्या की गई, महाराष्ट्र में, अधिकतर केस चाइल्ड लिफ्टिंग के हैं। इसमें से चाइल्ड लिफ्टिंग के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है। इस साल लगभग 15 लोगों की हत्या की जा चुकी है। तो 2018 में ही मॉब लिंचिंग में 15 लोगों को मारा जा चुका है। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है ये कोई एनजीओ या कोई डेटा कलेक्ट किया अलग घटनाओं से, लेकिन फिर भी ये मीडिया में चल रहा है लगातार। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल में लगभग 15 लोगों की हत्या अब तक हो चुकी है मॉब लिंचिंग के अंतर्गत केस फाइल किए गए हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े का अभाव है इस पर, क्लियर है? तो अलग राज्यों में ये काम हो रहा है। अब इसके क्रक्स बता दूं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न में स्कोप नहीं है लिखने का, लेकिन इसको यूज़ जरूर करिएगा कहीं मौका मिले तो। वो कह रहा है ना, मॉब लिंचिंग आर्टिकल 21 से क्या जुड़ता है? आर्टिकल 21 हम सबके लिए है, अच्छी बात है, लेकिन आर्टिकल 21 विशेषकर उन लोगों के लिए भी है जो बहुत वंचित तबका है, जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं है, उसका कोई मार देता है, उसको कोई पीट देता है, उसको उसकी हत्या कर देता है, उसके लिए विशेष रूप से है। अगर सोचिएगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति हत्या करता है तो 15-20 साल सजा हो जाएगी उसको। एक व्यक्ति महिला की हत्या करता है, एक व्यक्ति किसी SC ST को मारता है, सजा का प्रावधान कड़ा होगा। कानून अलग नहीं है लेकिन फिर सजा अधिक मिलेगी उसको, क्योंकि आपने एक कमजोर को, एक वंचित तबके को मारा है। यहाँ पर आर्टिकल 21 क्लियर करता है कि आर्टिकल 21 का मुख्य उद्देश्य ना केवल बचाना है बल्कि वंचित तबके को भी महत्वपूर्ण से बचाना है। ये कहा गया एक प्रकार से इनबिल्ट है उसके अंदर, इसके अंदर ना केवल व्यक्ति, हर व्यक्ति की जान इंपॉर्टेंट है, लेकिन वंचित तबके को ज्यादा न्याय मिले, ये हमारा प्रयास होगा। अब ऐसे में ये क्या कर रहा है यहाँ, भीड़ हिंसा क्या कर रही है, भीड़ का लक्ष्य टारगेट कौन होता है? मरने वालों में अधिकतर लोग या तो माइनॉरिटी ग्रुप के होंगे या फिर SC ग्रुप के होंगे या फिर ST ग्रुप के होंगे। सामने है घटनाएं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, डेटा आपके सामने है, आप याद करिए घटनाएं जो हुई हैं पिछले कुछ सालों में, या तो SC व्यक्ति हैं या ST हैं या माइनॉरिटी के हैं या किसी कमजोर तबके से आते हैं। तो ऐसे में मॉब लिंचिंग लगातार उन पर अटैक कर रही जो वर्नेबल हैं, किसी ताकतवर पर अटैक करने की हिम्मत नहीं मॉब हिंसा की। तो ये क्या कर रहा है, ये आर्टिकल 21 के बेसिक प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रहा है। मॉब भीड़ हिंसा सामाजिक न्याय के बेसिक प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रही है कि आप डर के रहें, आप माइनॉरिटी हैं, आप SC हैं, आप ST हैं, आप डर के रहें, भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो ये केवल मॉब भीड़ हिंसा नहीं है, एक सुनियोजित तरीका है सामाजिक न्याय को कमजोर करने का। इसलिए जरूरी है कि कानून बनाया जाए, तभी आर्टिकल 21 बचेगा, आर्टिकल 14 बचेगा। अब ये लाइन कैसे लिखना है आपको अपने आंसर के अंदर, वो एडजस्ट करिएगा, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं लिखने क्वेश्चन में, लेकिन कभी कोई लिखने को आता है तो सामाजिक न्याय पर आघात है भीड़ हिंसा भी होती रही तो। हमारा माइनॉरिटी सेक्शन, SC ST सेक्शन डर माहौल महसूस कर रहा है इस भीड़ हिंसा के चलते। तो भाई ये बात हमारी यहाँ पर ये,